चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गेट फंक्शन। देखिए यहाँ पे मॉड टी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट इज 1। इसका मतलब है जब मॉड टी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, माइनस 1 से लेके 1 तक आपकी वैल्यू जो है वो 1 बनी रहेगी, एंड दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज गेट फंक्शन। जब टी की वैल्यू प्लस रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो वो 1 से छोटी रहेगी। टी की वैल्यू जब आप पॉजिटिव रखेंगे तो 1 से छोटी रहेगी, और जब टी की वैल्यू आप नेगेटिव रखेंगे तो वो माइनस 1 से बड़ी रहेगी। इस वजह से आप ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं गेट फंक्शंस। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इवेल्यूएट करते हैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जो गेट फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो होगा आपका एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई की पावर आयोटा एस टी डी टी। फिर आप टाइम डोमेन से आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। एफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, जो एफ ऑफ टी की वैल्यू है वो है आपकी 1। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं, माइनस 1 से लेके प्लस 1 के बीच में जो एफ ऑफ टी की वैल्यू है वो है 1 ई की पावर आयोटा एस टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू हम पुट करते हैं इसकी, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन आयोटा एस ब्रैकेट के बाहर आएगा, अंदर बचेगा ई की पावर आयोटा एस टी माइनस 1 से लेके प्लस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन आयोटा एस। जब आप डालेंगे अपर लिमिट तो आ जाएगा e की पावर आयोटा एस माइनस लोअर लिमिट e की पावर माइनस आयोटा एस। क्लियर? अब हम यूलर्स आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका जो साइन थीटा होता है वो होता है e की पावर जे थीटा माइनस e की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2j। ये होता है आपका साइन थीटा। इस फंक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया और इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं e की पावर आयोटा s माइनस e की पावर माइनस आयोटा s अपॉन 2 आयोटा 2j होता है आपका साइन थीटा, दैट इज 2 अपॉन s इंटू साइन s। ये निकल गया आपके गेट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। पर आपको इवेल्युएट करना है e की पावर, आपको इवेल्युएट करना है 0 से लेके इन्फिनिटी साइन x अपॉन x इंटू डी एक्स। क्लियर? कुछ भी नहीं, वेरिएबल है हमारे पास में 2 बाय s इंटू साइन s, s को रिप्लेस कर देते हैं हम x से तो हमारा काम हो जाएगा। इस फंक्शन का अब हम निकालते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है आपका f ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ s इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एस माइनस आयोटा एस टी। एक्स वेरिएबल यहाँ पर रिप्लेस हो गया है टी से, माइनस आयोटा एस टी डी एस। क्लियर? अगली स्टेप में मैं टी की जगह पर 0 डाल रहा हूँ तो मुझे मिलेगा इस टी की जगह पर 0 हो जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एस ई की पावर 0 1 डी एस। क्लियर? एफ ऑफ एस का जो फॉर्मूला है आपके पास में आप निकला है वो है 2 बाय एस इंटू साइन एस। एफ ऑफ एस की जगह पर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 2 बाय एस इंटू साइन एस, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर? एफ ऑफ 0 हो गया आपका 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस डी एस। क्लियर? चलिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखते हैं। मैंने अभी यहाँ पर गेट फंक्शन को ड्रॉ करा था, गेट फंक्शन आपका था माइनस 1 से लेके प्लस 1, तो आप देख सकते हैं और मैग्नीट्यूड है आपका 1। ये जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड बता देती है,
ये वैल्यू बताती है कि माइनस वन और प्लस वन के बीच में है, और ये वैल्यू बताती है मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हैं जीरो पर जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू वन है, मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है वन। नेक्स्ट स्टेप में आप एफ ऑफ जीरो की वैल्यू डाल दें, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी साइन एस अपॉन एस डी एस। क्लियर? पाई यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा पाई, आपको वैल्यू मिली पाई इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी साइन एस अपॉन एस डी एस। पर हमको वैल्यू निकालनी है जीरो से लेके इन्फाइनिट। देखिए आप ध्यान से, अगर मैं यहां पर एस की जगह पर माइनस एस रखूं तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एक नेगेटिव साइन बाहर आएगी और इस एस की जगह पर भी माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन शॉर्ट ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है एक इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन को लिखने का तरीका होता है पाई इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस। ये टू यहां पर चले जाएगा, आपने फाइनल रिजॉल्व कर लिया। पाई बाय टू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस। थैंक यू।